Welcome back to my channel Tips and Tricks. I'm Pooja. Hope you all guys are doing good. If you are new to my channel, make sure you subscribe down below and hit the bell icon ताकि मेरी आने वाली सारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे. तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ अपना बॉडी केयर रूटीन. तो हम हमेशा अपने फेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने फेस पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगाते हैं, बहुत सारी होम रेमेडीज़ लगाते हैं, बट हम भूल जाते हैं अपनी बॉडी को. तो आज मैं बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट आपको शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन एंड पॉलिश्ड लुक आपका होगा. तो आपकी बॉडी की स्किन, आपके फेस की स्किन से थोड़ा सा मोटी होती है, जिसकी वजह से आपको एक राइट प्रोडक्ट चूज़ करना है जो कि आपकी बॉडी के स्किन को अच्छे से क्लीन करे, अच्छे से हाइड्रेट करे, मॉइस्चराइज्ड करे और बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लुक दे और बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड लुक भी दे. जब भी आप शॉर्ट ड्रेसेस पहनते हैं तो आप सेलिब्रिटीज़ को देखते होंगे कि उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है शॉर्ट ड्रेसेस पहनने के बाद. तो अगर आप भी चाहती हैं आपकी बॉडी बिल्कुल वैसी हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट, नरिश्ड और बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड, तो आप ये सारे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं. ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. सो उससे पहले आप मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए जिससे मेरी आने वाली सारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स क्विकली जंप. तो सबसे पहले मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी मल्टीविटामिन्स कैप्सूल्स. तो यस, आपकी बॉडी जितना बाहर से आप चाहती हैं अच्छी दिखे तो आपको अंदर भी इसे अच्छा करना होगा. उसके लिए आपको रोज़ एक मल्टीविटामिन कैप्सूल खानी होगी. हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ होने की वजह से हम बिल्कुल भी अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं खा पाते हैं. बहुत सारे सब्जियों में मिलावट होती है, हर चीज़ में मिलावट होने की वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा मिनरल्स और बहुत सारे विटामिन नहीं पहुँच पाते हैं. तो आपको डेली एक मल्टीविटामिन की कैप्सूल खानी ही खानी है. इसमें आपको मैंने ये ट्रू बेसिक मल्टीविटामिन वुमेन कैप्सूल दिया है जिसमें विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, बोन्स एंड जॉइंट ब्लेंड है, ब्यूटी ब्लेंड है, वेलनेस के लिए है और एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारा है. ग्रीन टी भी इसमें है जिससे आपको अलग से ज़्यादा ग्रीन टी पीने की ज़रूरत नहीं है. ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कैप्सूल्स हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. ये बिल्कुल भी सेफ़ है आपकी बॉडी के लिए क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपकी बॉडी को नुकसान करे. तो इसमें बहुत ही ज़्यादा नेचुरल चीज़ें हैं जो कि आपको डेली खाने के से मिलती हैं, बट आपको उतना अच्छा खाना ना मिलने की वजह से बहुत सारे विटामिन मिनरल्स आपकी बॉडी में नहीं पहुँच पाते हैं. तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर परचेज कर लीजिए. अगर आपको कोई और मल्टीविटामिन कैप्सूल किसी और ब्रांड से अच्छी लगती है तो आप उससे भी परचेज कर सकते हैं और ज़रूर से ज़रूर एक मल्टीविटामिन की कैप्सूल आपको खानी ही खानी है. उसके बाद मैं शेयर करने वाली हूँ अपने दो प्रोडक्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हैं. तो एक है मेरा पियर्स का बॉडी वॉश और दूसरा है स्किनला का बॉडी वॉश. तो पियर्स का बॉडी वॉश जो है इसमें ये कोकोनट वाटर है जो कि नरिश करता है और सबसे अच्छी बात है कि ये 100% सोप फ्री है. तो जिन लोगों को सोप से एलर्जी है या फिर उनकी स्मेल से एलर्जी है तो वो बिल्कुल से बिल्कुल ये बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हैं. बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है ये, आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छे से नरिश करेगा, बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखेगा और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्मेल देगा. जैसे कोकोनट ऑयल की स्मेल होती है, आप तो जानते होंगे कितनी प्यारी स्मेल होती है, तो बिल्कुल वैसी आपको इसमें स्मेल मिलेगी. और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, सिर्फ 180 का है, आपको बहुत ज़्यादा स्पेंड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. इसके बाद मैं ये बताऊँगी आपको स्किनला का बॉडी वॉश. तो ये एक जेल बॉडी वॉश है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. इसमें ग्रीन लाइम है, ऑलिव ऑयल है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा है. जब भी आप नहा लेते होंगे आपने देखा होगा आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा खिंची खिंची लगती है, बहुत ज़्यादा ड्राई लगती है, तो इस बॉडी वॉश से आपको वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये नहाने के बाद आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रखेगा. तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, तो वो बिल्कुल से बिल्कुल ये बॉडी वॉश परचेज़ कर सकते हैं. इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक रिफ्रेशिंग स्मेल देगा, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा, जैसे ग्रीन लाइम की स्मेल होती है, आप तो समझ सकते होंगे ये कितना अच्छा बॉडी वॉश है. और स्किनला का प्रोडक्ट मुझे कितना ज़्यादा पसंद है, इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ हैं मेरी ओर से. तो आप ज़रूर से ज़रूर ये बॉडी वॉश परचेज़ कर सकते हैं. उसके बाद मैं शेयर करूँगी ये स्किनला का बॉडी पॉलिश स्क्रब. तो ये पिंक ग्वावा का बॉडी स्क्रब है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा
प्रोडक्ट है आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा पॉलिश करेगा। तो यस, हम अपनी स्किन पे बहुत ज़्यादा स्क्रबिंग करते हैं जिससे हमारी डेड सेल्स निकल जाएं, डेड स्किन पूरी हट जाए और बहुत ही ज़्यादा अच्छी रिफ्रेशिंग और पॉलिश्ड लुक आपका हो। तो आप बॉडी पे भी स्क्रब आपको करना मस्ट है, तो आप ये प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने यूज़ किया है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप देख सकते हैं कि मेरी बॉडी कितनी ज़्यादा पॉलिश्ड लग रही है। तो मैं इसको कभी कभी अपने फेस पे भी यूज़ कर सकती हूँ। ये बिल्कुल माइल्ड है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। इसकी स्मेल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो इसमें बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसमें सार इफेक्ट है जो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करेगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लीन करेगा, हाइड्रेट करेगा और इनफैक्ट आपको पॉलिश लुक भी मिलेगा जो कि आप सीरियसली आपको चाहिए ही चाहिए। तो आप बिल्कुल से बिल्कुल ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। उसके बाद मैं शेयर करूँगी ये अमेजिंग प्रोडक्ट जो कि आपको, आपने बहुत सारे ब्यूटी ब्लॉगर्स को देखा होगा कि वो यूज़ करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये वाव स्किन साइंस का एलोवेरा है जिसमें 99% एलोवेरा जेल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसमें नो पैराबेंस हैं, सिलिकन्स, कोई मिनरल ऑयल नहीं है, कोई भी अलग से कलर यूज़ नहीं किया गया है। तो ये सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड हेयर टाइप्स। तो आप इसको हेयर में भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने स्कैल्प पे लगा के 20 मिनट 25 मिनट तक आप इसको धुल सकते हैं, अपने बालों को बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे आपके बाल। और ये आपके स्किन के लिए तो अमेजिंग प्रोडक्ट है ही। तो हमारे घर में एलोवेरा जेल होता ही एलोवेरा का प्लांट होता है, बहुत सारे लोग रखते हैं, बट क्या होता है ना, हम जल्दी जल्दी में इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं और वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है। बट इसको लगाने के बाद आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ये बिल्कुल से बिल्कुल यूज़ करिए, इसमें आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं मिलेगा। और एलोवेरा के क्या गुड़ होते हैं वो मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। एलोवेरा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे स्किन के लिए। तो जिन लोगों की ऑयली स्किन है, कोई भी मॉइस्चराइज़र या फिर आप बॉडी लोशन लगाते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है और आप बहुत ज़्यादा ऑयल आपकी बॉडी में आने लगता है, आपकी स्किन पे आने लगता है, तो आप इसको यूज़ करिए, आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कोई भी आप नहाने के बाद सिंपल से अपने हाथों और पैरों में इसको लगा लीजिए, उसके बाद आपकी बॉडी एकदम हाइड्रेटेड रहेगी, नरिश रहेगी। तो मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो मैं अपनी बॉडी पे बिल्कुल भी कोई भी बॉडी लोशन नहीं लगाती हूँ, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा स्वेट होता है मुझे हाथों पे, मेरे पाम में भी बहुत ज़्यादा स्वेट होता है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। मैं सिर्फ इसे यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा आपको पॉलिश रखेगा। तो अब बात करेंगे हमारे अंडरआर्म्स की। तो यस, बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट्स है कि हमारे बहुत ज़्यादा ब्लैक अंडरआर्म्स हो रहे हैं। तो आपको चाहिए कि अपने अपने अंडरआर्म्स में आपको ये लगाना है तो ये आपके अंडरआर्म्स को बहुत ज़्यादा अच्छा ब्राइट बना देगा। यस, तो आप कोई भी स्लीवलेस टॉप पहनेंगे तो आपको बिल्कुल भी शेमफुल होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये निविया का पर्ल एंड ब्यूटी डिओड्रेंट है, तो ये बिल्कुल भी 0% अल्कोहल है। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्मेल से एलर्जी है तो उनको ये ज़रूर से ज़रूर परचेज करना चाहिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा स्मेल से एलर्जी है, मैं कोई भी लाउड फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये 28 आवर्स प्रोटेक्शन भी देता है और बहुत ज़्यादा स्मूथ एंड ब्यूटीफुल आपके अंडरआर्म्स को रखता है। तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो अगर जो भी डिओड्रेंट्स के दीवाने हैं तो उनके लिए ये है बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिओड्रेंट, बहुत ही ज़्यादा, मैं मतलब I have no words टू एक्सप्रेस दिस डिओड्रेंट, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये निविया का है, गैस फ्री है बॉडी डिओड्राइज़र जो कि वाइट मास्क का है और ये आपका डे लॉन्ग ऑडर कंट्रोल भी करता है और इसमें विटामिन B5 है जो कि आपको आपके बॉडी ऑडर को रोकता है और बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल, इसकी स्मेल मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी है मैं आपको बता नहीं सकती। और जिस मुझे ना बिल्कुल भी परफ्यूम से एलर्जी है, मैं कोई भी ज़्यादा अल्कोहल जिसमें होता है उस वो डिओड्रेंट मैं नहीं लगा सकती। तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई फ्रेग्रेंस इसलिए होती है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा अल्कोहल होता है, तो जिनमें कम स्मेल आती है फ्रेग्रेंस की तो उनमें बहुत ज़्यादा क्या आपके एसेंशियल ऑयल्स होते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा एसेंशियल ऑयल है, इसमें बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि इसमें बिल्कुल भी अल्कोहल है जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होती है। मैं लाउड बिल्कुल भी फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकती अपने आप को, मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आने लगती हैं, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, हेडेक हो जाता है। तो मैं ये डिओड्रेंट लगाती हूँ
और ये इसकी स्मेल इतनी प्यारी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती. आपको ये ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना चाहिए. बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ये डिओड्रेंट है. तो ये थे मेरे सारे प्रोडक्ट्स जो मैं अपने बॉडी केयर रूटीन में इसको लगाती हूँ, और ये बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है मेरी स्किन के लिए. इनफैक्ट मेरी सेंसिटिव स्किन है, तो अगर मुझे सेफ़ है तो मुझे लगता है ये सारे ऑल स्किन टाइप वालों को सूट करेंगे. और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, आपको एकदम नरिश्ड, नीट एंड क्लीन और पॉलिश्ड बॉडी देंगे, जो कि बिल्कुल भी आपको चाहिए ही चाहिए. और बहुत ज़्यादा स्मेल भी आपके बॉडी से बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी. तो आप इन सारे प्रोडक्ट को यूज़ करके मुझे इनका फीडबैक ज़रूर से ज़रूर दें, क्योंकि इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम से मैंने सारे प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद ही मैंने आपको ये रिकमेंड किया है. तो आप इसको यूज़ करिए, उसके बाद मुझे बताइएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और मेरा चैनल को इतना प्यार देने के लिए. थैंक यू सो मच ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ देखने के लिए. मेरी चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स भी बने रहिए, और ये बताना बिल्कुल मत भूलिए कि आगे आपको कौन कौन सी वीडियोज़ देखनी है. और साइनिंग ऑफ फॉर द डे, बाय, टेक केयर.